नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको गोल पायदान सिंथेटिक साड़ी से बनाने बताऊंगी। तो इसके लिए देखिए, हम यहाँ पर सिंथेटिक साड़ी ले लिए हैं, एक कैंची ले लिए हैं और एक क्रोशिया लिए हैं। इससे हम आपको गोल पायदान बनाने के लिए बताएंगे, बहुत ही खूबसूरत और आसान सा तरीका। अब देखिए, सिंथेटिक साड़ी को आप एक किनारे से इस तरह से निकाल लीजिए, इसका किनारे को, एक साइड को, और इस साइड में आपको इस तरह से निकालने के बाद एक उंगली के बराबर से आप इसको छोटा छोटा पतला पतला फीता के जैसा काट लीजिए। तो इसको देखिए, एक उंगली उंगली का नाप के इस पे ऐसे कट लगा देंगे, कैंची से कट लगा देंगे और इसको हम इस तरह से फाड़ते जाएंगे। फाड़ते जाएंगे तो ये एक बराबर से हमारा फीता के जैसा बन जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर हम बहुत सारे फीता जैसा काट काट के रख लेंगे और इसको हम एक दूसरे से जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ने के लिए आप दो तरीका अपना सकते हैं। इसको सुई धागा से ऐसे जोड़ दीजिए, या फिर आप मशीन से भी सिलाई कर सकते हैं, और अगर नहीं तो इस पे आप एक छोटा सा गांठ दे दीजिए। ये गांठ आपको दिखेगा नहीं, ये पीछे की ओर चला जाएगा, इसलिए आप गांठ भी दे सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम गांठ दे दिए हैं। और अब जो शुरू का जो सिरा है, पहला जो जहाँ पर कि आगे का सिरा से इस तरह से आपको निकालना है और यहाँ पर एक फंदा तैयार करना है। तो देखिए, हम क्रोशिया से बना रहे हैं और क्रोशिया से को इस तरह से लपेट के यहाँ पर हम एक फंदा बना लेंगे, देखिए इस तरह से, और इसको टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद देखिए, इस पे हम चेन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम चेन बना लेंगे, पहले 6 चेन बनाएंगे और ऐसे देखिए, 2 3 4 5, और ऐसे देखिए, धागा को लपेटिए, फीता को लपेटिएगा तो गोल बनेगा, और एक 6 चेन, 6 चेन हम इस तरह बना लेंगे। 6 चेन बनाने के बाद इसको हम इस तरह से जोड़ लेंगे, जो फर्स्ट वाला चेन है उस पे डाल करके इस तरह से इसको जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर हमारा गोल जैसा हॉल बन जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर एक हॉल जैसा बन गया। अब गोल बनने के बाद इस चेन पर हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, देखिए इस तरह। फिर देखिए, आगे वाला चेन पर हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, देखिए ऐसे निकाले, फिर दोनों फंदा को एक फंदा बना देंगे। फिर देखिए, उसी चेन पे डाल करके हम फिर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, तो एक फंदा निकाले, 2 फंदा का एक फंदा कर देंगे। फिर दूसरे में, दूसरे चेन पे उसी तरह से हम सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे, तो एक चेन पे हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से देखिए, हम पूरे राउंड में बनाते जाएंगे, और यहाँ देखिए, हम पूरे राउंड में 2 2 सिंगल क्रोशिया कर लिए हैं। और अब हम यहाँ पर जो बनाएंगे इस राउंड में, हम पूरे में 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे, पूरे राउंड को 1 सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, ताकि जो है ये पूरा झोल नहीं हो इसमें और पूरा फैले नहीं। इसलिए इस राउंड में हम 1 सिंगल क्रोशिया, हर चेन पे 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो हम पूरा राउंड बना लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम पूरे राउंड बना लिए, और इस राउंड में देखिए, आपको एक चेन पे 1 सिंगल क्रोशिया करना है, 1 सिंगल क्रोशिया, और एक चेन पे 2 डबल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया करना है। तो इस पे देखिए, हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे इस चेन पे। इस राउंड में हम एक चेन पे 1 सिंगल क्रोशिया और एक चेन पे 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, देखिए इस पे हम 1 सिंगल क्रोशिया कर लेंगे और इस पे हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे।
इस तरह से हम पूरे राउंड में एक सिंगल क्रोशिया और दो सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। पहले एक सिंगल क्रोशिया और एक दो सिंगल क्रोशिया इस तरह से करते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा गांठ दिख रहा है, तो गांठ के पास भी हम देखिए इस तरह से जब हम बनाएंगे तो ये गांठ हमारा पीछे की ओर चला जाएगा। देखिए ऐसे पीछे की ओर चला जाएगा। और अब देखिए यहाँ सिंगल क्रोशिया कर लिए, यहाँ पर हम दो सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए गांठ पीछे चला गया और इस तरह से हम पूरे में बनाते जाएंगे। दो सिंगल क्रोशिया कर लेंगे और फिर एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह पूरे राउंड में हम बनाते जाएंगे और जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा हम पायदान बना सकते हैं। एक में दो सिंगल क्रोशिया, एक चेन पे दो सिंगल क्रोशिया और एक चेन पे एक सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हम पूरा बनाते जाएंगे और जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा हम पायदान बना के तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों आपको मेरा ये गोल पायदान बनाने का तरीका कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और ढेर सारा शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।